एटलीस्ट टू प्रोटोकॉल 80 80। क्या खूबसूरत सिंगर है यार। जंगले के पीछे जो फसल है वो सारी इंडिया की है, पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से हमारे छोटा सा गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो जी, आज के व्लॉग का सीन ऐसा है कि मैं सोया हुआ था, मुझे अपना फिजान साहब ने उठाया है, फिजान भाई ने जल्दी जल्दी से जी उठो और वाघा बॉर्डर जाना है। तो आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं वाघा बॉर्डर परेड देखने, और जब प्रोटोकॉल में गाड़ी का नंबर शंबर लिखवा दिया, गाड़ी जाएगी, गाड़ी भी रेडी है, और बस चलते हैं और फिर आपको आज के व्लॉग में दिखाते हैं सारे सीन। हेलो, ये मेरे प्यारे प्यारे बेबीज रेडी हो गए हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ, आप गाड़ी निकालो। ठीक है, ठीक है, बस अभी निकलते। अच्छा जी, ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। बस वो सामने वाघा बॉर्डर है, वो झंडे नजर आ रहे होंगे आपको, और ये साइड पे सारे गांव है, ये देखे भैंसे जा रही है। एक चेक पोस्ट हमने क्लियर कर ली थी, दूसरी पे आ गए हैं, और वो देखे बकरे जा रहे हैं, छतरे बकरे जो भी हैं, रेंजर्स वाले आ गए दूसरी चेकिंग से निकल के बता के उनको प्रोटोकॉल का। देन हम लोग सीधा जाएंगे आगे पार्किंग में और सारे सीन्स आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। लिस्ट टू प्रोटोकॉल 80 80। और ये रेंजर्स की चेक पोस्ट हमने ये जी तीसरी चेक पोस्ट आ गई है, बस इधर से क्लियर हो के तो सीधा हम लोग आगे निकल जाएंगे। वो लोकल है जिन्होंने जाना है, बेचारे लाइनों में लगे हैं, वो बंद है। और ये हम लोग जरा VIP लेन से जाएंगे सीधा। ये कोई ऑलमोस्ट 5-6 जगह से क्लियर होने के बाद ना अब हम लोग सर्चिंग करवा रहे हैं, मतलब ID कार्ड वगैरह स्कैन करवाने गए हैं। फिदान साहब आ भी गए हैं और इधर से वो सामने वाघा बॉर्डर, अब वो देखें। ये आ गया जी वाघा बॉर्डर और हम लोग आ गए हैं प्रोटोकॉल लेन में, और सीधा जाके हमारी गाड़ी लगेगी बिल्कुल पास झंडे के, बाबे आजादी के। ये देखे, यस पाकिस्तान जिंदाबाद। बस ये लास्ट जगह जहाँ से हम चेकिंग करवाएंगे अपनी बस। ओए होए होए, सीन देखें, क्या खूबसूरत सीन है यार। इधर पार्किंग करेंगे अब आगे जाके सीधा। ये बाबे आजादी, ठीक है, और यहाँ पे हमारी गाड़ी लगेगी अब प्रोटोकॉल में, जहाँ पे कोई अफसरान की गाड़ियाँ लगती हैं। बड़े अरसे बाद आए हैं, बट मजा आ रहा है, जरा सीन अच्छे हैं। गाइस फाइनली वी आर एट वाघा बॉर्डर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाबे आजादी है, और ये देखें जी ये बाबे आजादी है, इसके पीछे इंडिया है, और ये ऊपर फ्लैग है, इससे आगे बस इंडिया, इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती, और ये डेड एंड पे हमारी गाड़ी लगी है इस टाइम। और हमजा अब्दुल्ला रेडी हो गए हैं बिल्कुल। इधर देखो दोनों भैया, ये मेरे साथ अकेले आए हैं, मेरे और फिजान चाचू साथ घूमने। ये बाबे आजादी और वो हमारी सामने गाड़ी खड़ी है। ये राजी बाबे आजादी, बच्चों ने फ्लैग्स भी पकड़ लिए हैं, और अब हम लोग बैठेंगे इंडिया के गेट के बिल्कुल पास जाके एंड पे जी। अभी हम लोग आ गए हैं इनके मेस में कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है अंदर चलते हैं बस। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं स्कूल से, जब परेड स्टार्ट होगी उस टाइम हम बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है और यहाँ पे AC वगैरह चल रहे हैं। सो मेरा बेबी समोसा खा रहा है साथ साथ, दिखाओ समोसा। और अभी पानी मंगवाया मैंने इसके लिए, और इस टाइम बस जितनी मुझे भूख थी मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा ले लिया। ओके जी, खा पी के हम लोग निकल गए हैं, टाइम हो गया परेड का, और अब जा रहे हैं परेड देखने। ये देखें जी, अब परेड स्टार्ट होने लगी, जगह खाली, और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी सीट्स की तरफ। इस टाइम हम लोग बिल्कुल एंड वाली सीट्स पे बैठ गए, गेट के बिल्कुल पास, और सीधा धूप हमारे फेस पे आ रही है। ये फिजान साहब और ये बाबे आजादी है। Thank you.
टाइम परेड स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पहले क्लिप देखे और ये वाले ये चेक कर रहे हैं। ओए 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 जबरदस्त। आपको मैं इंडिया दिखा रहा हूँ, फुल जूम करके, फुल नहीं थोड़ा सा, ये इंडिया की पब्लिक बैठी है रंग बिरंगी यार, ये देखें। झंडा पहले उतर गया। यस
परेड सारी आपने देख ली, आपको दिखाई है। और इस टाइम हम लोग जा रहे हैं जीरो लाइन विजिट करने, और ये लतीफ़ साहब हैं और ये रेंजर्स के हैं दो बंदे जो हमें विज़िट करवाएंगे। और ये जो सामने जंगला लगा, बाढ़ लगी है, उसके पीछे इंडिया सारा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रोटोकॉल में इंडिया भी देख रहे हैं, बिल्कुल जीरो लाइन डेड जो एंड है पाकिस्तान जी, वो सामने इंडिया इस पाइप के पीछे, और ये पाकिस्तान रेंजर्स है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे मौलवी साहब और पीछे उनके सरदार साहब, बस इतना ही फासला है हमारा। इस लाइन के पीछे, जंगले के पीछे जो फसल है वो सारी इंडिया की है। अभी हमें लतीफ़ साहब ने बताया है, जो रेंजर्स के हमारे साथ हैं, ये सारी इंडिया की फसल है। पीछे पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से हमारे छोटा सा गिफ्ट, पिक्चर इन्होंने ली थी बहुत खूबसूरत हमारी। जी फाइनली सारा कुछ देख के, परेड वगैरह देख के फ्री हो गए हैं, और मगरिब की अजान भी हो गई है, शाम हो गई है, गर्मी भी थोड़ी लगी है। ये हमारे हमजा साहब, हेलो हमजा। ये अब्दुल्ला, और बस सब गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाड़ी भी मेरा ख्याल है आ गई है, और गाड़ी में बैठ के निकलते हैं बस। सब ये आई गाड़ी और इसमें बैठ के निकलेंगे। ये लोग पैदल आ रहे हैं, और यहाँ से भी लोग पैदल जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट कोई एक दो किलोमीटर तक जाएंगे पैदल, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में जाएंगे। अपनी को फ़ायदा हो गया हमें प्रोटोकॉल का। गाड़ी भी गंदी जिस तरह खड़ी थी उस तरह ही आई है, बस अचानक प्लान था ना हमारा, पता होता तो कोई तैयारी करके आते हैं। और यहाँ से भी लोग अभी पैदल जाएंगे जहाँ तक ये रोड जा रहा है इतना दूर तक। ओह माय गॉड, मेरा ख्याल है ये 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा बन जाता है। ये फिजान भाई अपने वायरलेस इन्होंने पकड़ा है हाथ में अपना, और हम लोग जी फाइनली चेक पोस्ट वगैरह क्लियर करके अगेन बाहर आ गए हैं, और इधर से सीधा घर। कि जी आज के व्लॉग को फिर यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। बस आज के व्लॉग में आपको वाघा बॉर्डर दिखाना था, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लें कुछ। ज़रा मैंने कहा थोड़ा शशका हो जाए, ज़रा VIP सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी व्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।